और अभी हम लोग यहाँ पर आए लाल किला, तो ये अभी चारों तरफ से आज का मेरा प्लानिंग है कि मैं इंडिया गेट जाऊँ एंड वहाँ पर नियरेस्ट में जो भी घूमने लायक जगह है वहाँ पर जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ। तो अभी मैं घर से निकलने की प्लानिंग कर रहा हूँ और घर से अभी निकल रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं जाता हूँ आपको सब कुछ अपडेट मैं दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो करंटली मैं जो है मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ और यहाँ से मुझे जाना है इंडिया गेट, और बाकी सब मैं वहीं पे दिखाता हूँ जैसे ही मैं इंडिया गेट पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं तो मैं जो है मेट्रो से खान मार्केट उतर गया। खान मार्केट उतरने के बाद अभी मैं जहाँ पर आया हूँ थोड़ा सा आगे पैदल चल के आया, उसके बाद अभी मैं एक इधर चौराहा है यहाँ पर रुका हूँ, और इसके बाद यहाँ से जो इंडिया गेट की दूरी है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वॉक करके जाऊँ या फिर ऑटो ले लूँ, लेकिन यही सोच रहा हूँ कि भाई वॉक करके जाऊँ ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इंडिया गेट आया, लेकिन इंडिया गेट में जो है आप देख सकते हैं इधर कंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब कुछ काम चल रहा है, मिट्टी वगैरह निकाल रहे हैं लोग, जिसके वजह से पूरा अभी बंद किया है, लोग अलाउ नहीं है अंदर जाना किसी का, तो जिसकी वजह से मैं अभी वहाँ नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ। और ये रहा इंडिया गेट भाई, क्या कर सकते हैं अभी अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अलाउ नहीं है, किसी का भी अलाउ नहीं है। तो मैं अभी फ्रंट साइड में जाता हूँ और वहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। आपको पता है कि मैं इंडिया गेट देखने आ रहा था, लेकिन भाई यहाँ का सीन ऐसा है कि अंदर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से इंडिया गेट को अभी मतलब बाहर से गेट बंद किया गया, और किसी टूरिस्ट का या फिर आप किसी भी मोटर से या किसी पर्पज़ से अंदर जाना चाहते हैं तो वो अभी बंद है, तो आप अंदर जा नहीं सकते हो। लेकिन मैंने आपको अभी बैकग्राउंड का सीन दिखा दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बैकग्राउंड का सीन है, और एक्चुअल मैं अंदर जा तो नहीं सकता इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, तो हो सकता है कि मैं अभी जामा मस्जिद के आसपास जाऊँ, उधर लाल किला के आसपास जाऊँ, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें जो है अपने वीडियो में दिखा दूंगा। गाइस, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इस मतलब अग्रसेन की बावली का वीडियो क्यों नहीं बनाया, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो अपनी राजस्थान की सीरीज में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वहाँ पर जो मैंने बावड़ी एक्सप्लोर की थी वहाँ पर मैंने सब कुछ आपको अंदर जाके दिखाया था, लेकिन इस बावड़ी के अंदर सीन ये था कि मुझे नीचे जाना अलाउ नहीं था, देख सकते हैं जहाँ तक लोग खड़े वहीं तक जा सके, दैट्स वाई मैंने इस बावड़ी का वीडियो पूरा नहीं बनाया। तो अभी हम आगे चलते हैं। इस समय मैंने आपको बताया, आपने जैसा देखा मैं इंडिया गेट गया था एंड उसके बाद अग्रसेन की बावली, और इंडिया गेट मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके अंदर अलाउ नहीं था उसके अंदर जाना, और फिर मैं उग्रसेन की बावली गया था। तो आपको पता है कि मैं बावली और बावली वगैरह कई सारा राजस्थान में कवर कर चुका हूँ, घूम चुका था, दैट वाई मैं वहाँ का वीडियो नहीं बनाया। और उसके अंदर हम लोगों को जाने की परमिशन भी नहीं थी, उग्रसेन की जो बावली थी उसके नीचे पूरा जाने की परमिशन नहीं थी। और अभी हम लोग यहाँ पर आए लाल किला, तो ये अभी चारों तरफ से बंद है, आप देख लें मतलब इसका जितना भी एंट्रेंस गेट है सबका सब बंद करके रखा गया है, और ये तब से है जब से मतलब यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, मुझे लगता है कि तब से ये होगा, और कब तक चालू होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, मुझे तो नहीं पता एग्जैक्ट, देखते हैं। अभी मैं आगे जाऊँगा इधर कुतुब मीनार के साइड, और देखते हैं फिर आगे क्या होता है, और उधर एक मस्जिद है वहाँ पर जाऊँगा, तो सब कुछ आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगा। भाई मेरे साथ मतलब कि सब कुछ ख़राब हुआ, मैं सोच रहा हूँ कि ये आज की ब्लॉग को यहीं पर इसे फिनिश कर दूँ, ये ब्लॉग तो मैं एंड करने ही वाला था, तो यहाँ पर अभी कुछ लोग मिल गए जो मेरे साथ जाने वाले हैं कुतुब मीनार के साइड, और ये लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं और ये मुझसे यहीं पर मिले, और ये देख लो भाई तुम एक बार ये किला को देख लो, और ये किला का मैं एक वीडियो बनाकर दिखा दूँगा, और ये भाई हैं आप इनसे मिलो आ जाओ इधर, तो आप अपना नाम बताओ। मोहिल भाई का नाम मोहिल है, और ये भी अभी हम लोग के साथ ही आगे जाएंगे कुतुब मीनार, और उधर हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं देखते हैं वहाँ पर कुछ लोकल प्लेसेस में हम अभी ट्रैवल करेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा आगे। लेकिन ये ब्लॉग को मैं सोच रहा था कि यहीं एंड कर दूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंडिया गेट गए तो जो बंद था, एंड उसके बाद उग्रसेन की बावली गए, वो भी मतलब वहाँ पर सेम चीज़ें हुई जो चीज़ें मैंने राजस्थान में कवर की थी, जो बावड़ी वगैरह मैंने कवर की थी वहाँ पर वो चीज़ें थी, लेकिन राजस्थान में तो मैं बावड़ी के अंदर चला भी गया था, और यहाँ पर सीन था कि भाई आप नीचे नहीं जा सकते हो, रस्सी वगैरह बांध के रखा था, तो उग्रसेन की बावली में मैं नीचे नहीं जा पाया। अभी मैं लाल किला आया हूँ, और फिर अभी मुझे एग्जैक्ट यहाँ आने के बाद पता चला है कि भाई ये लाल किला भी बंद है, और इसके बाद अभी हमारा प्लान है कि कुतुब मीनार जाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो मैं ब्लॉग में आपको बता दूंगा।